नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे हमें ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को आज के लिए स्टॉक्स सेलेक्ट करके दिए थे, जिसमें था अपोलो ट्यूब्स, भेल, PEL, चोला फाइनेंस और इंडिको, तो इन पांचों स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, बहुत अच्छे से तरीके से ये आ गए हैं और हमारे सारे टारगेट्स अचीव कर दिए। तो कल की स्टडी करते हैं और कल देखते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और ये जो भी लेवल्स होते हैं, किस लेवल पे बाय करना है, क्या टारगेट है, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। उसका लिंक ज्वाइन होने का नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर सुबह 8:30 बजे के आसपास आपको वहाँ पर कॉल्स प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे सबसे पहले बढ़ते हैं, रिलायंस पे स्टडी करते हैं। तो रिलायंस को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस, जिसमें मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। जिस तरीके से आप देख सकते थे, एक अपमूव आई, रिट्रेस आया, अपमूव आई, इस लेवल से ऊपर निकला, उसके बाद हम क्या देख रहे थे, एक स्ट्रांग मूवमेंट के बाद, एक कंटिन्यूस मूवमेंट के बाद ये एक रेंज के अंदर चला गया था। रेंज के अंदर जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो कि उसके ऊपर अभी तक एक भी कैंडल नहीं बनी है जो कि ग्रीन कलर पे क्लोज करी हो, अच्छे से नहीं बनी है। एक बार आया नीचे, जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया था उस लेवल पे यहाँ पर रीटेस्ट करा, एक ग्रीन कैंडल बनाई, रीटेस्ट करा, आज इसने पॉज लिया है, कल एक अपमूव इसमें आ सकती है। तो रिलायंस एक बाय बनता है, ठीक है, रिलायंस पे हम लोग एक बाय बना सकते हैं। देख सकते हैं एक मूव आई, एक रेंज के अंदर गया, रेंज के अंदर जाने के बाद ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग कुछ नहीं आई, बट दोबारा नीचे आया और रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट पे अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो वो है आयोनॉक्स। या तो ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार रुकिए। अब आप इधर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ये एक चैनल के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, ये एक चैनल पे काम कर रहा है, इस चैनल पे दोबारा आया, मल्टीपल विक्स बनी या होल्ड नहीं कर पाया, दोबारा एक अपमूव दे रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बेसिस पे तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा और जूम करके। आप इस लेवल पे देखिएगा, ये एक लेवल था ब्रेकआउट का, ठीक है, इस लेवल के ऊपर आना था एक ब्रेकआउट, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब ये जो लेवल है, ये लेवल आपको मैं और क्लियर से दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये वाला जो लेवल है ना, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। अब सपोर्ट का काम करने के बाद हम देख रहे हैं नीचे आया और अब दोबारा उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो ये लेवल क्या हो गया, ये लेवल हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कल ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, अगर मैं टॉप्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो लगता है कि ये लेवल अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो प्रॉबेबली हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। तो 724 के आसपास इस पर एक बाय इनिशिएट होता है, अगर पॉज करता है 724 के ऊपर, अगर 5 मिनट सस्टेन कर लेता है तो हम लोग इस पर एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, 10-12 रुपये हमें आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। आयोनॉक्स लेजर है, इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आप लोग एक ट्रेड बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट आता है नौकरी, इन्फोएज जिसे हम कहते हैं, या ये पर्टिकुलर इन्फोएज पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर काम कर रहा है। अब इस चैनल का ये पर्टिकुलर एक ब्रेकआउट है जो कि आ सकता है 3580 के ऊपर, 3580 के ऊपर एक ब्रेकआउट आ सकता है, और अगर वो इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब भी हो जाता है तो मुझे लगता है कि 4200 तक के लेवल्स भी 3 महीने के अंदर आराम से आ सकते हैं। तो ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे यहाँ से देख रहा हूँ प्रॉबेबली, तो मैं बस क्रॉस होने का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही क्रॉस आएगा तो मैं यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड लेकर चल सकता हूँ 3 महीने के लिए और ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो कल इंट्राडे में किस लेवल पे बाय करना है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट आता है सेंचुरी टेक्सटाइल। अब सेंचुरी टेक्सटाइल पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक सेकेंड,
या इधर थोड़ा सा फोकस करिएगा, यहां देखिएगा कि ये एक सिमेट्रिकल चैनल के अंदर काम कर रहा था, उसके अंदर ही ये एक चैनल भी बना रहा था, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया एंड ऊपर गया, डबल टॉप बनाया, यहाँ पर मल्टीपल बॉटम्स बनाया। अब इस मल्टीपल बॉटम का आज के दिन इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ कि मतलब इस रेजिस्ट सपोर्ट लाइन के ऊपर, देखिए सबसे पहले ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, चार बार इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, अब यहाँ पर ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि जब ये ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट बन गया ना, जो पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी, तो ये लेवल के ऊपर अब क्लोज कर चुका है। तो एक बार यहाँ तक 350 या 345 तक की एक बाइंग बन सकती है, तो सेंचुरी टेक्सटाइल पे भी हम लोग वेट कर सकते हैं और एक ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट स्टॉक आता है एमजी, या सो ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं आप लोगों को कल भी देने वाला था, बट मेरे को ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं थी और आज मुझे मिल चुकी है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आई, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। सबसे पहली बात, आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या बना है, डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम बना है। और मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि इस लाइन का क्रॉस होने पे बाय बनाओ, और जो सेफ ट्रेडर है वो इसके ऊपर क्लोजिंग देने पे बाय बनाओ। तो इसके ऊपर तो क्लोजिंग दे चुका है आज ये, ठीक है, 87, देखिए एक रेंज है इस पे 79 से लेके 80 के बीच में, ये एक रुपये की रेंज है, एक रुपये पे यही रेंज पे अगर आप लोगों को कल मिलता है, कल बेसिकली इतनी स्ट्रांग अपमूव के बाद शायद ये इस लेवल तक ना जा पाए जो हमारा टारगेट आ रहा है 83 का। बट अगर कल ये हॉल्ट करता है तो आप लोग इसे अगले दिन के लिए बाय करके चल सकते हैं और ये प्रॉबेबली आपको अपने टारगेट तक अचीव करवा देगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो एक स्ट्रांग अपमूव के बाद ये एक चैनल के अंदर काम करने की सोच रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक डबल बॉटम बना है तो उसका भी ब्रेकआउट दिया तो प्रॉबेबली यहाँ तक तो जाएगा, ठीक है। तो इन दो सारी बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम लोग, तो बैंक निफ्टी पे जैसा हम लोगों ने आपको बताया था कि इस लाइन जो हमने बनाया है इसके ऊपर जाके क्लोज कर चुका है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इस लेवल के ऊपर ये जाके क्लोज कर चुका है, इस लाइन के ऊपर भी जाके क्लोज कर चुका है, तो अब हम लोग एक बाय बना सकते हैं। अब ये वाला ये लेवल क्या निकल के आ रहा है जहाँ से ब्रेकआउट दिया वो अगर हम लोग देखते हैं, ये लेवल निकल के आ रहा है 21,400 का, ठीक है। तो 21,400 के आसपास अगर आपको दोबारा मिलता है बैंक निफ्टी तो हम लोग एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। कल अगर इस लेवल पे ये हॉल्ट करता है, एक छोटी सी कैंडल बनाता है, तो हम लोग बाय बना के चल सकते हैं एक या दो दिन के लिए, ठीक है, ये एक रिस्क लेकर हम लोग चल सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है प्रॉबेबली ये है, सॉरी मैं एक और अच्छे से लाइन बना देता हूँ, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स थे और ये ब्रेक हुआ है तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक बार रीटेस्ट कर सकता है, तो ये हमारे टारगेट है। कल अगर थोड़ी डिप में मिले या नीचे आने की कोशिश करे तो बाय एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस पे। अब आते हैं निफ्टी पे, निफ्टी पे भी जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इस लेवल के ऊपर मैंने आपको कहा था ये एक रेंज है, इस रेंज के ऊपर हमें बाय करने के बारे में सोचना है, ठीक है। तो अब यहां पर हम बाय बना सकते हैं, प्रॉबेबली हमारा जो टारगेट होगा वो ये लेवल के आसपास होगा। तो बैंक निफ्टी भी अब पॉजिटिव हो चुका है, बस कल के दिन हमें और इंतज़ार करना है कि यहाँ पर हॉल्ट कर जाए, एक रेड कैंडल दोबारा ना बने। अगर कल एक रेड कैंडल या फिर एक इंडिसाइसिव कैंडल नहीं बनती है, कल यहीं पर ही हॉल्ट कर जाता है इतने लेवल पे ही, तो हम लोग एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मैं बस इतना चाहूँगा कि जो आज की क्लोजिंग है और जो आज का लो है, जो आज का ओपनिंग प्राइस था और जो आज का क्लोजिंग प्राइस है, उसका जो भी मिड है उस मिड के नीचे ये क्लोज ना करे निफ्टी, और अगर इसके ऊपर ही क्लोज करती है और हॉल्ट करती है तो हम लोग एक बार बाय के लिए सोच सकते हैं, और हमारा टारगेट होगा 11,550 से लेके 11,600 तक का, ठीक है।
तो ये थी आज की हमारी एक्सप्लेनेशन, सारी सिंपल वे से आपको सिखाई होगी, आपको बहुत आसानी से समझ भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, 500 लाइक्स का एक एम रखते हैं गाइस। और अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं और आप लोग पूरा भी करते हैं तो मैं डेफिनेटली और अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा। और जो हमारा डिस्कॉर्ड चैनल था वो 1 तारीख को लाइव आ जाएगा और मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा कि कैसे आपको ज्वाइन होना है, कैसे सिखाया जाएगा सारा कुछ। तो 1 तारीख को आप लोग रेडी रहिएगा, मेरे डिस्कॉर्ड के पूरी वीडियो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो हम लोग इसी से वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए हमारे चैनल पे कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोगों को बेनिफिशियल लग रहा है, या अगर कुछ चेंजेस करने भी हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।